मैराथन का 11वीं एडिशन होने जा रहा है, तो हमें बहुत खुशी है कि हर साल ये मैराथन का हमारा जो पार्टिसिपेशन है बढ़ते जा रहा है। न सिर्फ हमारे इंडिया से, बाहर के देशों में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन माना जाता है और हाईएस्ट रेस है, तो इस जगह पे इतने लोग दौड़ने के लिए आते हैं, तो ये बहुत लद्दाख के लिए आई थिंक बहुत मायने रखता है, जिसकी वजह से हमें हर नज़रिए से बेनिफिट होता है। तो हमें बहुत खुशी है कि इस बार बहुत बड़ा, पहले से बड़ा हो रहा है। ऑलमोस्ट 6,300 के करीब रनर्स आ रहे हैं, रन कर रहे हैं, और हमारा खरदूंगला और जो SRU जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाफ मैराथन है, इन दोनों में इस बार लिमिट से कुछ रनर्स ऊपर गया है जितना नॉर्मली हम अलाउ करते हैं। सो ये दोनों रेस बहुत पॉपुलर हो गया, विद इन 2 वीक्स ये दोनों रेस रजिस्ट्रेशन करते हैं फुल हो गया। सर, मैराथन को लेके काफ़ी चर्चे होते हैं और सक्सेस भी रहता है, और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स जैसे फॉरेन से आए, यहाँ हमारे कंट्री से, हर जगह से आते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि लोकल पार्टिसिपेशन कितना होता है सर इस मैराथन में? लोकल पार्टिसिपेशन ये थोड़ा हम इतना खुश नहीं जितना होना चाहिए, अदर देन हमारे स्टूडेंट जो स्कूल से आते हैं जो छोटे रेस के लिए। बाकी रेसों में जैसे कि हमारे 11.2 या हाफ मैराथन, बाकियों में हमारा एक्चुअल पार्टिसिपेशन जो है बहुत लो है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे लद्दाख में लोकल रनर्स हर साल बढ़े, जिससे लाइफस्टाइल के ऊपर, हेल्थ वेलनेस के ऊपर ये बहुत इम्पैक्ट करता है। मुझे ये चीज़ बताते हुए थोड़ा दुख भी होता है कि इस बार जब स्कूल के बच्चों का लिस्ट आया, मुझे टी शर्ट के साइजेस देख के मुझे बहुत वेरी डिसअपॉइंटेड, दुख लगा, क्योंकि हमारे छोटे बच्चों का टी शर्ट साइज़ XXL है, XXL है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे अभी किस वजह से इतना ओबीस हो रहा है, उसमें हमें रियली देखने की ज़रूरत है। ये स्कूलों में स्पोर्ट्स के ऊपर और ज़ोर से ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। सर, रिमो के ओर से कुछ लोकल मोटिवेशन के लिए कुछ किया जा रहा है, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं आपने? हम हर साल जितने भी लोकल रनर्स आते हैं हमारे खासकर स्कूलों में, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू 2012 से, हम उनको एक कल्चर, रनिंग कल्चर बनाने के लिए हम फ्री में दौड़ाते हैं। पिछले 10 सालों में 25,000 से ज़्यादा लद्दाख के स्टूडेंट लद्दाख मैराथन दौड़े हैं, और इसमें हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कि हमारे बच्चे आए, दौड़े, ये एक वेलनेस का एक कल्चर जो है, दौड़ने का एक आदत हो जाए। ये इसलिए हमने कोई चार्ज स्कूल में नहीं होता। सिमिलरली हमारे बाकी भी जो रनर्स हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन फ़ी देने के उनके पास इशू है, प्रॉब्लम होता है, उनको भी हम बिल्कुल चार्ज नहीं करते। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जब फैसिलिटीज़ अलग, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए, तो मुझे ये होता है कि क्या बोलते हैं, एक कि लोग क्यों दौड़ने नहीं आ रहे। तो इसमें मेरे हिसाब से सिर्फ लद्दाख मैराथन ने तो हमें एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके साथ साथ हमें विद इन सिविक कम्युनिटी में, सोसाइटी में ये वेलनेस का जो है, ये इसको एक एनकरेजमेंट देने का हर स्कूल लेवल से शुरू करने की ज़रूरत है। सर, दूसरा सवाल, जिस तरह से हमने देखा आज आपने इनिशिएटिव लिया है कि सिंगल प्लास्टिक यूज़ को बैन किया जा रहा है, तो इस साल क्या जो वाटर बॉटल्स में पानी देते हैं वो भी आप बंद करेंगे? नहीं, हम 2019 से लद्दाख मैराथन बॉटल में पानी भेजना बंद कर दिया है। हमारे लद्दाख मैराथन के दौरान हम 20 लीटर का बड़े जार यूज़ करते हैं, उससे रिफ़िल करते हैं वाटर बॉटल्स, और हमारे लोकल जिनके पास हाइड्रेशन पैक नहीं होता, बॉटल नहीं होता है, उनको हम ग्लास देते हैं जो बायोडिग्रेडेबल ग्लासेस है, जो प्लांट बेस्ड से बना हुआ है, तो वो हम यूज़ करते हैं। सो पेट बॉटल्स देना हमने 2019 से बंद किया है। इस साल हमने फ्लेक्स भी जो है, फ्लेक्सी देना बंद कर दिया। हमारे जितने भी बिल बोर्ड्स बन रहे हैं वो मच बेटर क्वालिटी
बहुत बिल बहुत जो मटेरियल से बना है, जैसे कि आपको मालूम है बेंगलोर में फ्लेक्सी बंद हुआ है, सो वहाँ जो अभी परमिट किया जाता है लद्दाख में, हम लद्दाख मैराथन के दौरान हम वही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने सुना भी होगा जितने भी स्टूडेंट दौड़ रहे हैं वो सबको, जितने भी स्टूडेंट दौड़ रहे हैं उनको 10 खाली बॉटल जमा करने की मैंडेटरी बनाया। तो इस साल हम वो थोड़ा शायद बढ़ा सकते हैं, 10 के बदले 20 करें। तो लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 60,000 प्लास्टिक खाली बॉटल जमा किया है, और ये हम रिसाइकिलिंग के लिए हमारे हाइड्रेशन पार्टनर जो है विदिका बिस्ली उनके साथ मिलके इनको नीचे भेज के इनको रिसाइकिल करने की पूरा हम कोशिश कर रहे हैं। सर में इसमें जो 11 में कोई स्टार रन जो इंटरनेशनल ऑफिशियली और फॉर्मली ऑन द लॉन्च ऑफ द टी शर्ट ऑफ लद्दाख मैराथन एंड टू द टीम ऑफ लद्दाख मैराथन। अर्लियर कामटू वाज सेइंग दैट लद्दाख मैराथन यट टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल ग्लोबली और ऑन द वर्ल्ड। I would rather say that Ladakh Marathon has already made an impact on the world. That is very much visible, and we have noticed over the past many years. I think it's on the. I think it considered as a, one of the most prestigious and tough, challenging marathon in the world. And though it is happening in the almost on the world highest place in Ladakh. I think for us also, this is one of the prestigious event that we have in Ladakh. You know, earlier also when we are part of the Jammu and Kashmir, now also after becoming a Union Territory, I think this is the most prestigious event that we have. And I think you have really have done a lot of contribution for the Ladakh, and the Padma Shri that was given to you, you truly deserve it. And you deserve more than that. And tourism, you know, sector also, this has made an impact. In September month, who have thought, you know, 6,000 people will come and, you know, run for a few days in the Ladakh. You know, besides their family and relatives are coming to all together. To cheer the runner. So I think really made an impact on the lifestyle, on the socio-economic development of Ladakh. Also because I'm a Ladakh lover since many years, so I love this place, and I've seen this place growing, and I've seen this is I think one of the best indicators of growth where you have this kind of a sports, which is a prominent sports event, a very challenging sports event in the national calendar, and I should say the national calendar also. It has really brought Ladakh to the forefront, to the map of adventure sports, and I think the kind of terrain you have, the kind of cultural richness you have in Ladakh offers, it is surely one of the best marathons which can be organized anywhere in the world. I really wish Mudurji a very, very successful organizing more such events, more such events in future. I will only urge him, maybe if you could rope in some prominent Indian sports persons here, if they could come, I think that would really increase the student value. I've been told that with every passing year, the number of participants is increasing. And not just the number, in fact, the number of countries from which the participants are coming is also increasing. And I wish all the very best to the organizers. And this event has really put the Ladakh Marathon on the list of the world's best marathons. And I hope that in the coming years, this will be one of the most sought after events, not just in Ladakh, but all over the country and around.